समर सीजन स्टार्ट होते ही हमारी स्किन ना सिर्फ डल हो जाती है बल्कि हमें बहुत ज्यादा एक्ने का मसला हो जाता है। आज आपके साथ मैं एक बहुत अच्छा क्लेंजर शेयर करूंगी, ये सेटाफिल का डेली एक्सफोलिएटिंग क्लेंजर है। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, स्पेशली एक्ने स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा मसला होता है। वो कोई भी क्लेंजर यूज कर लें, कोई भी स्क्रब यूज कर लें, उनकी एक्ने बहुत ज्यादा हो जाती है। बट ये बहुत अच्छा, बहुत माइल्ड क्लेंजर है, आपके पोर्स को बहुत अच्छे से ये नीट कर देता है और आपकी एक्ने मजीद होने से ये रोकता है। और इसका सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इससे आपके जो एक्ने मार्क्स हो जाते हैं, आपको जो निशानात हो जाते हैं, अगर आप इसको डेली बेसिस पर यूज करें, रेगुलर यूज करें, तो आपको जो निशानात है वो खत्म हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और आपकी स्किन समर से बिल्कुल भी डल नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं स्क्रब की। एक्ने स्किन वालों के लिए ये बहुत अच्छा स्क्रब है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी रेडनेस नहीं देता, रैश नहीं करता और बहुत अच्छे से आपकी स्किन को जो है वो नीट कर देता है। स्क्रब के बाद बारी आ जाती है मास्क की। ये नीम हर्बल मास्क है, हॉलीवुड वालों का है, 800 की रेंज में आपको मिल जाएगा। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसको लगाने के बाद आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होती। हम कोई भी मड मास्क लगाते हैं उससे हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, बट इसको लगाने के बाद आपको फील होगा कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज हो गई है, बहुत ज्यादा प्लम्प हो गई है, बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन हो गई है। हमें अपने फेस को भी मॉइस्चराइज करने के साथ साथ अपने लिप्स का भी ख्याल करना चाहिए। समर्स में लिप्स भी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, इनको मॉइस्चराइज करने के लिए आज आपके साथ मैं बहुत अच्छा मास्क शेयर करूंगी। ये लिप मास्क है, मैंने एक इंस्टाग्राम के पेज से इसको बाय किया था। तकरीबन इसके अंदर आपको 30 पीसेस मिल जाएंगे, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा। ये डिफरेंट पेजेस हैं जो इसको सेल कर रहे हैं, आप इसको ले सकते हैं। इसको लगाने के बाद आपके जो लिप्स हैं बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप कोई भी लिपस्टिक भी लगाएंगे, कोई लिप ग्लॉस भी लगाएंगे, तो आपको एग्जैक्ट शेड मिलेगा। हम सबको ये मसला होता है, मतलब कोई भी हम लिप कलर लगाते हैं तो वो डार्क हो जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह से अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लेंगे तो आपके लिप्स बिल्कुल ज्यादा भी जो है वो ड्राई भी नहीं होंगे और डार्क भी नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं आई मास्क की। बहुत एक अमेजिंग इंटरेस्टिंग आई मास्क है ये, आपने इसको लेना है और लेने के बाद आपने इसको फ्रीजर में रख देना है। बहुत रीजनेबल प्राइस है, आप मैंने ये भी एक इंस्टाग्राम के पेज से लिया था, इजीली आपको मिल जाएगा। इसके अंदर बर्फ जम जाती है, बहुत ठंडा हो जाता है, आपकी आईज के ऊपर जितनी पफिनेस उसको ये खत्म कर देगा, आपके जितने डार्क सर्कल्स हैं वो भी इससे खत्म हो जाएंगे। डार्क सर्कल की वजह से भी हमारी स्किन बहुत ज्यादा डल लगती है। अगर आप अपने लिप्स का, अपने आईज का, अपने पूरे फेस का ख्याल करेंगे तो समर्स में आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, डल नहीं होगी और डार्क नहीं होगी। इन सब चीज़ों का आपने जरूर फॉलो अप करना है और आपने जरूर मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये हमारी आज की वीडियो कैसी लगी।